कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? और वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी। ईस्टर्न डलस में सैपरोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो वेस्टर्न बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे? इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, जो उसका फोन उससे छीन दिया गया, उसके फोन से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो देखता है कि वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का, वे फूट फूट निकलता है। वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्हें इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? 100% पानी वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी। दलस में सैंप्रदोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे? इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो देखता है कि वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का, वो फूट फूट निकलता है। वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्हें इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी। डेमोग्राफी को डलस में सैंपलोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे? इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन दिया गया, उसके फोन में से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो देखता है वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का, वह फूट फूट निकलता है। वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्हें इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी। ट्वीटी है डलस में सैंपलोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने यह पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे? इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो देखता है वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का, वह फूट फूट निकलता है। वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्हें इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी। आपस में बातचीत करनी है। डलस में सैंपलोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे? इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो देखता है कि वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का, वो फूट फूट निकलता है। वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्हें इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? तो हिंदुस्तान ने वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी। स्टोरेज कैपेसिटी डलस में जो आज तक सैंपलोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या घुटनों पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे? इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन में से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो देखता है कि वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का, वो फूट फूट निकलता है। वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्हें इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? पाकिस्तान जो है वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी। और हम वही करेंगे। दलस में सैंपलोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे? इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन में से डेटा डिलीट कर दिया गया। तो देखता है कि वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का, वह फूट फूट निकलता है। वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्हें इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी? बहुत ज्यादा है।
वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी कर रहा था। डलस में सैम प्रदोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे। जो वेस्टर्न भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन से डेटा डिलीट कर दिया गया। हिंदुस्तान तो दिखता है कि वो जो डीएनए जो इमरजेंसी वाला डीएनए है कांग्रेस का, वो फूट फूट निकलता है। वो मिसेज इंदिरा गांधी थी जिन्हें इमरजेंसी लगाई, जहाँ कांग्रेस पार्टी कैसे क्षमा मांगेगी किसी प्रकार के स्टोरेज के पैसे। वह कांग्रेस पार्टी जिसके डीएनए में है कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देनी, हमने पत्रकारों को आजादी नहीं देनी, हाइड्रोपावर में सैम प्रदोदा के घर के अंदर एक पत्रकार ने ये पूछ लिया कि राहुल गांधी जी क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे। इतने भर में उसकी पिटाई की गई, उससे धक्का मुक्की की गई, उससे दुर्व्यवहार किया गया, उसका फोन उससे छीन लिया गया, उसके फोन से डेटा डिलीट कर दिया गया। सो वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।